तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, उसे जंजीरों से बांधा गया होता है। उसका नाम होता है यूलोचा। महाराज कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी बहादुर हो। फिर एक तलवार उसकी तरफ आता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। अब एक सिपाही उसके ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं उसके सारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। सिपाही एक मरे हुए आदमी को महाराज के पास लाते हैं। वो आदमी महाराज के लिए काम करता था। महाराज आता है और उसका मजाक उड़ाता है। वहीं पे एक आदमी महाराज से कहता है, महाराज गांव में बाढ़ आई थी और ये लोगों को बचाने गया था, लेकिन आपने इसकी कोई भी मदद नहीं की। आपने बहुत गलत किया, जिससे कि महाराज उस आदमी को मरवा देता है। तभी उस ताबूत के अंदर से यूलोचा बाहर निकलती है और महाराज को जख्मी कर देती है और सारे सिपाहियों को मारने लगती है। वहीं पे एक सिपाही होता है, उसके पास जादुई शक्ति होती है। यूलोचा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक आदमी महाराज को बताता है वो यूलोचा थी, वो मिंग्यू गांव से आई थी। अगले सीन में हमें उडंग सेक्ट को दिखाया जाता है। वहीं पे हम एक योद्धा को देखते हैं, उसका नाम होता है ईहेंग। उडंग के मास्टर उसे कहते हैं, याद रहे तुम्हारी तलवार से कोई निर्दोष नहीं मरना चाहिए। दूसरी तरफ हम यूलोचा और उसके साथियों को देखते हैं, वो उनके मास्टर का मौत का बदला महाराज से लेना चाहते थे। इधर महाराज अपने सिपाहियों से यूलोचा को ढूंढ कर मारने के लिए कहता है और रेड पिल लाने के लिए कहता है। वो उसे खाकर अमर होने वाला था। इसके बाद सिपाही बहुत सारा सोना लेकर 3 जादूगरनी के पास जाते हैं और उन्हें रेड पिल देने के लिए कहते हैं। वो जादूगरनी उन्हें 3 दिनों के बाद आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं महाराज के सिपाही उडंग पहुंच जाते हैं और उन्हें रेड पिल सही सलामत लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास एक जादुई तलवार होती है। वो तलवार जिसके पास होगा वो कभी नहीं हारेगा। उडेंग के मास्टर ई हेंग का बड़ा भाई टैंग जिन से कहते हैं, अगर कोई इस तलवार का गलत इस्तेमाल करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर हम देखते हैं ई हेंग और टैंग जिन उन जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे रेड पिल लेते हैं, जो कि एक मशीन के अंदर होता है। वो उसके अंदर सही सलामत होता है। फिर वो सभी रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी यूलोचा और उसके साथी आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई होती है। यूलोचा के साथी उस मशीन से रेड पिल को बाहर निकाल लेते हैं। तभी बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यूलोचा रेड पिल को लेकर वहां से भाग जाती है। ई हेंग उसका पीछा करता है, लेकिन यूलोचा के साथियों को सिपाही पकड़ लेते हैं। इधर यूलोचा रेड पिल को नष्ट कर देती है। ई हेंग उसके ऊपर हमला करता है। तभी यूलोचा उसके हाथ पर एक निशान देखती है। वो जान पाती है ई हेंग उसके बचपन का दोस्त है। यूलोचा ने उसके हाथ को काटा होता है। वहीं पे एक सिपाही यूलोचा के ऊपर हमला करता है। यूलोचा जख्मी हो जाती है। ई हेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। यूलोचा उसे पूछती है, क्या तुम महाराज के गुलाम हो? ई हेंग कहता है, तुमने सही कहा, यह सब मैंने अपने मास्टर के लिए किया। दूसरी तरफ टैंग जिन महाराज से एक और मौका देने के लिए कहता है, रेड पिल लाने के लिए। टैंग जिन यूलोचा के साथियों को टॉर्चर करता है और उनसे मिंग्यू गांव का पता लगा लेता है और महाराज के कहने पर उन्हें मार देता है। अगली सुबह यूलोचा ईहेंग को मिंग्यू गांव का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ टैंग जिन और महाराज के सिपाही मिंग्यू गांव पहुंच जाते हैं और वहां के सारे लोगों को मार देते हैं। इस तरफ ईहेंग मास्टर से कहता है, मैं यूलोचा से बहुत प्यार करता हूँ। मास्टर उसे वही शक्तिशाली तलवार देता है। इसके बाद यूलोचा उसके गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है सभी लोग मर चुके हैं। उसे लगता है ये सब ई हेंग ने किया है, क्योंकि यूलोचा ने सिर्फ उसे मिंग्यू गांव का रास्ता बताया था। दूसरी तरफ टैंग जिन मास्टर से कहता है, यूलोचा ने ई हेंग को मार दिया है। अगली सुबह यूलोचा उडेंग पहुंच जाती है और मास्टर को जख्मी कर देती है। टैंग जिन मास्टर को अंदर ले जाता है और उसे मार देता है, क्योंकि वो जादुई तलवार को पाना चाहता है। टैंग जिन के आदमी यूलोचा को पिंजरे में बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ई हेंग मास्टर को देखकर बहुत दुखी होता है। टैंग जिन उसे कहता है, यूलोचा ने मास्टर को मारा है। इसके बाद टैंग जिन ई हेंग को लेकर यूलोचा के पास जाता है और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ई हेंग यूलोचा से पूछता है, क्या तुमने मेरे मास्टर को मारा है? यूलोचा उसे कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो फिर भी तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। ई हेंग उसे नहीं मार पाता है और वहां से चला जाता है। फिर एक सिपाही यूलोचा के ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं यूलोचा के बाल व्हाइट हो जाते हैं। वो एक डेविल बन जाती है। वो उस सिपाही को मार देती है।
इसके बाद बहुत सभी सिपाहियों को अपने बालों से पकड़कर फेंक देती है। वहीं पे एक और सिपाही उसके ऊपर हमला करता है। वो उसे कहता है, मुझे लगा था तुम सब आपस में लड़कर मर जाओगे। ये हैंग जान पाता है मास्टर को टैंग जिन ने मारा है और फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी यलोचा टैंग जिन को मार देती है जिससे कि ई हैंग भी जख्मी हो जाता है। फिर वो सिपाही यलोचा से लड़ाई करने लगता है। यलोचा उसे बालों से पकड़ लेती है। ई हैंग उस तलवार को अपने पास बुलाता है और उस सिपाही को मार देता है। ई हैंग यलोचा से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ महाराज भाग रहा होता है लेकिन यलोचा उसे मार देती है और सारे सिपाहियों को ख़त्म कर देती है। वहीं पर ई हैंग आता है और उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन यलोचा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ई हैंग के पास यलोचा आती है और उसकी तलवार निकालती है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।